बेसिकली uh, मैं आपको बता देती हूँ न्यू जो है एक लॉ क्रिएट किया गया है फार्मिंग के लिए स्पेशली एग्री मार्केटिंग के लिए एग्री मार्केटिंग के रिफॉर्म्स के लिए स्पेशल पैकेज जो है वो स्टमस पैकेज जो कि अनाउंस किया गया है हमारी एफ द्वारा तो उसके अंदर फिनेंस मिनिस्टर्स द्वारा तो उसके अंदर uh, जो है ये पैकेज दिया गया है वन लैख करोड़ रुपीज़ का पैकेज है ठीक है ये फंड जो है ये एग्रीकल्चरल कोऑपरेट सोसाइटीज़ को दिया जाएगा जो कि फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस और स्टार्टअप्स जो हैं वो लोग मिलकर बूस्टअप करेंगे फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ठीक है टेन थाउजेंड क्रोर्स फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग अप्रोच टू बी फॉलोड अब टेन थाउजेंड करोड़ जो है वो माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस को दिया जाएगा जबकि ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ जो है फ़िशरमैन्स को दिया जाएगा जो कि मत्स्य संपदा योजना के तहत आते हैं उसके अलावा तेरह हजार करोड़ जो है थर्टीन थाउजेंड करोड़ ये हंड्रेड परसेंट वैक्सीनेशन जो है कैटल्स बफेलो शिप्स गॉट एंड पिग्स इन सब के जो है वैक्सीनेशन के लिए ये टारगेट अचीव किया गया है तो उसके अलावा फिफ्टीन थाउजेंड करोड़ जो है वो एनिमल हजबेंड्री और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करने के लिए किया गया है उसके अलावा फोर थाउजेंड करोड़ रुपीज़ जो है फॉर प्रमोशन ऑफ हर्बल कल्टिवेशन टेन लाख हेक्टेयर टू बी कवर दस लाख हेक्टेयर कवर किए जाएंगे जिसमें हर्बल कल्टिवेशन पर फोकस किया जाएगा उसको प्रमोट करने के लिए ठीक है इसके अलावा बी कीपिंग इनिशिएटिव के लिए 500 करोड़ जो है इनिशिएट किए गए हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 टू बी एमेंडेड टू डी रेगुलेट सीरियल्स एडिबल ऑयल्स ऑयल सीड्स पल्सेस अनियन एंड पोटैटोस मार्केटिंग रिफॉर्म्स टू बी अंडरटेकन टू प्रोवाइड एडिक्वेट चॉइस फॉर फार्मर्स टू सेल प्रोड्यूस एट प्राइज ऑफ़ देयर चॉइस अब उन्होंने देखिए ये सब कुछ जो भी पैकेज जो बूस्टर डोज दिया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत तो ये जो बूस् डोज दिया गया है ये बेसिकली फार्मिंग को जो है एग्री फार्मिंग को एग्री मार्केटिंग को हम कह सकते हैं प्रमोट करने के लिए किया गया है उसको बूस्टअप करने के लिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों के लिए जब पैकेजेस दिए जाते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कोविड नाइन्टीन से जिनको अधिकतम प्रभावित हुए हैं लोग काफ़ी मात्रा में तो उस क्षेत्र में फार्मिंग भी आती है फार्मर्स भी काफ़ी इफेक्ट हुए हैं एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट भी जो है हम कह सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री भी इफ़ेक्ट हुई है इस चीज़ से बहुत सारा जो है नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला है कोविड नाइन्टीन का तो उसी दौर में उसी सीरीज़ में जो है गवर्नमेंट द्वारा ये बूस्टअप पैकेज जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दिया गया है ओके okay. सो so, उम्मीद करते हैं ये पैकेज जो है एग्रीकल्चरल फील्ड में काफ़ी हद तक रिलीफ जो है प्रोवाइड करवाएगा फार्मर्स को उसके अलावा बहुत सारे प्लस पॉइंट्स क्रिएट करेगा क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत के लिए एक बेस है भारत का आधार है मैक्सिमम लेवल पर जो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर बेस्ड पॉपुलेशन है है ना तो ये हमारी ज़रूरत है कि हम इस क्षेत्र में अधिकाधिक इन्वेस्टमेंट और फोकस के साथ कार्य करें तो डेफिनेटली

ओके okay, इवन किया जाएगा उनके द्वारा ऐसा अनाउंस किया गया है कि लॉकडाउन फोर जो है उसे थर्टिएत्थ मई तक एक्सटेंड किया जाएगा जैसा कि हम लॉकडाउन के थर्ड फेज को ऑलमोस्ट ओवर करने वाले हैं इट विल बी कवर्ड बाय सेवनटीन्थ में सो नेक्स्ट लॉकडाउन विल बी स्टार्टेड बाय एटीनथ में होपफुली एंड ये जो एंड होगा ये थर्टीथ मे तक चलेगा इसका लॉकडाउन का फेज़ फोर्थ फेज़ तो so, उम्मीद करते हैं कि ये लॉकडाउन जो है बढ़ते हुए केसेस को रोकने में हेल्प कर सके बट स्टिल आई कैन से कि जहां हमने 400 हंड्रेड केसेस स्टार्ट किया था लॉकडाउन को इस लॉकडाउन के चलते थर्ड फेज जहां ओवर होने को आया वहाँ तक हम लोगों ने चाइना की बॉर्डर्स को भी क्रॉस कर लिया जहाँ चाइना में मैक्सिमम केसेस जो थे उस लिमिट को भी हमने क्रॉस कर लिया है तो वेकेंसी की आ, हमें इस फोर्थ लॉकडाउन में इम्पोर्टेंट एहतियात बरतने होंगे जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बिकॉज वी आर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग अप इन दी केसेस ऑफ कोविड नाइन्टीन ओके हालांकि ग्रीन और ऑरेंज जोन्स में सरकार द्वारा ये जो है इस तरह की फैसिलिटीज़ दी गई है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्टार्ट होंगी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को टोटली जो है अच्छी तरीके से उस क्षेत्रों में जो है मान्य किया जाएगा काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनको अनुमति दी गई है ग्रीन और रेड जोन में ग्रीन और ऑरेंज जोन में वर्क करने की बट रेड जोन जो है वह स्टिल टोटली totally क्लोज रहेंगे वहाँ पर ऐसी कोई एक्टिविटीज जनरेट नहीं होगी ओके okay, काफ़ी जो है रिलैक्सेशन ग्रीन और ऑरेंज जोन्स को मिल जाएगा इसके अलावा बहुत सारी जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई कर जा रही है सरकार द्वारा उसी के अलावा बहुत सारी सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो किया जा रहा है जैसे यूजेस ऑफ हैंड सैनिटाइजर सोशल डिस्टेंसिंग तो ग्रीन और ऑरेंज और जोन्स जो है जहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही है जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है काफ़ी हद तक और भी होने की कगार पर तो उन क्षेत्रों में ये चीज़ जो है गवर्नमेंट द्वारा जो कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जारी की जाएगी और गवर्नमेंट जो है या हम कह सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी का यह भी कहना है कि फोर्थ जो लॉकडाउन होगा वो काफी हद तक कुछ नया लेकर आएगा और बिल्कुल नए रंग और रूप द्वारा होगा द्वारा घोषित किया जाएगा तो हम, हम उम्मीद कर सकते हैं कि काफी कुछ पॉजिटिव साइंस लेकर आए हमारे लिए नया लॉकडाउन ओके सो द नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया सर्पसेस चाइना चाइनाज कोविड नाइनटीन टेली मैंने आपसे अभी डिस्कस की थी ये बात हम लोगों ने चाइना को भी क्रॉस कर दिया है कोविड नाइन्टीन के केसेस में आप देख सकते हैं चाइना में करीब एटी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड थर्टी थ्री थे और हमारे यहाँ पे एटी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी वन हो चुके हैं डबलिंग टाइम को अगर इज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेज इट टेक्स फॉर केसेस टू डबल इन अ कंट्री हमारे यहाँ पे जो डबलिंग टाइम है वो सेवन नाइन सिक्स सिक्स पॉइंट टू है जबकि इंडिया में जो है सॉरी uh, थर्टीन है जबकि चाइना में डबलिंग टाइम था सेवन नाइन सिक्स सिक्स पॉइंट टू ओके सो डबलिंग टाइम क्या है ये एक एस्टिमेटेड नंबर ऑफ़ डेज़ है जो कि केस को डबल किसी किसी कंट्री में कितना किस लेवल पे या इतने दिन के अंदर केसेस डबल हुए हैं उसे शो करता है ये ओके सो इट इज़ हम कह सकते हैं हमारे लिए बहुत खतरे की घंटी के रूप में सामने आया है या हम कह सकते हैं हमारे लिए बहुत टेंशन क्रिएट करता है और मैक्सिमम केसेस मैं आपको बता देती हूँ महाराष्ट्र तमिलनाडु एंड गुजरात में है और डेथ जो टोल्स हैं वो करीब 2674 तक पहुँच चुका है सो इट इज़ हम कह सकते हैं टेंशन क्रिएटिंग मोमेंट और आई कैन से कि फेयर क्रिएटिंग मोमेंट दैट वी हैव टू बी अलर्ट अबाउट इट बिकॉज वी आर कॉन्टीन्यूसली ग्रोइंग अप रिगार्डिंग कोविड नाइन्टीन ओके सो इट इज़ फॉर अस टू प्लीज

आईएमडी एम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि मॉनसून जो है वो केरला के थ्रू आपको पता है साउथ से केरल के थ्रू होकर आता है तो वो जो है करीब फिफ्थ मे को आएगा जबकि सॉरी फिफ्थ जून को आएगा जबकि स्काईमेट जो कि एक प्राइवेट फॉरकास्टर है उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि इस बार जो आ, हम कह सकते हैं मानसून है वो थर्ट ट्वेंटी एट्थ मे को ही आ जाएगा देखिए जनरली नॉर्मल जो डेट है मानसून आने की वो फर्स्ट जून है ओके बट स्टिल फ्राइडे को एक स्टेटमेंट आया आई द्वारा कि जून फिफ्थ को जो है ये मानसून आएगा जबकि स्काईमेट जो कि वेदर फॉरकास्टर है उसने अपनी वेबसाइट पे ये अपडेट किया है कि ट्वेंटी एट मे को आएगा मानसून तो अकॉर्डिंग टू तो स्काईमेट डेट से पहले ही मानसून आ जाएगा जबकि आईएमडी के अकॉर्डिंग डेट के बाद में मानसून फोर डेज बाद में मानसून आएगा है ना सो इट इज़ टू बी सी दैट कौन सा फॉरकास्टर सही जाता है किसके uh, जो है uh, अंदाज़ा है जिस जिस किस का कैलकुलेशन जो है वो पॉजिटिव वे में जाता है लेट्स सी अबाउट इट बट स्टिल इट इन द केस ऑफ कोविड नाइन्टीन हम कह सकते हैं मानसून का आना भी हमारे लिए खतरे की ही बात है बिकॉज कोविड नाइन्टीन की केसेज कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं द नेक्स्ट न्यूज़ इज प्ली ऑन एट सी चैलेंजेज स्पेशल कोरोना फी ऑन कोरोना फी जो है सॉरी स्पेशल कोरोना फ़ी जो है लेकर पर लगाई जा रही है इट इज़ अबाउट तमिलनाडु मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ पर वैसे ऑलरेडी भी uh, वहाँ पे काफ़ी सारे ये जो प्ली लगाई गई है दिल्ली कोर्ट में लगाई गई है फ्राइडे को इट इज़ अ रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्स ऑफ आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ऑन अ प्ली चैलेंजिंग द लिवाइंग ऑफ सेवेंटी परसेंट स्पेशल कोरोना फ़ीस ऑन ऑल ऑन ऑल लेकर ब्रांड्स इन द कैपिटल ओके इट इज़ ऑल अबाउट डेली बिकॉज तमिलनाडु से रिलेटेड केस नहीं है ये वहाँ पर भी लिकर्स को लेकर काफ़ी केसेज चल रहे हैं बट इट इज़ ऑफ डेली दैट डेली के अंदर जो लेकरस um, हैं उनके ऊपर ऑलरेडी सेवेंटी परसेंट जो है स्पेशल चार्जेस लिए जा रहे हैं और वो लिए जा रहे हैं स्पेशल कोरोना फ़ी के नाम पर सो so, इस uh, जो है इस इनिशियटिव uh, को हाई uh, कोर्ट के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट हम कह सकते हैं वहाँ पे जो है इसको किया गया है इसके खिलाफ जो है अपील प्ली, प्ली दर्ज की गई है सो लेट्स सी व्हाट विल गोइंग टू व्हाट विल द दिल्ली हाई कोर्ट इज गोइंग टू डू एंड व्हाट विल द डिसीजन ऑफ इट फी वाज एन आफ्टर थॉट एंड आफ्टर इफेक्ट ऑफ ओवर क्राउडिंग ऑफ वेंट्स और मैं आपको बता देती हूँ कि पेटिशनर्स का ये कहना है जिन्होंने पेटिशन लगाई है उनका ये कहना है कि फीस को बढ़ाने का रीज़न ये था कि जब लोग ओवर होने लगे और उसके नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिले सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हुए जब उन्होंने लेकर्स के लिए ओवरक्राउड करना स्टार्ट किया तब हमें ये ये स्टेप लेना पड़ा जिससे काफ़ी हद तक जो है जो मा, मात्रा है हम कह सकते हैं कस्टमर्स की उसमें कमी भी आएगी और लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करेंगे ओके अल्कोहल वर्थ ओवर 170 सेवेंटी करोड़ सोल्ड इन टेन डेज इट इज़ अ बिग डेटा अटॉल कि करीब दस दिन के अंदर 170 करोड़ की अल्कोहल जो है ऑलरेडी सेल आउट हो चुकी है ठीक है दिल्ली के लोग अब तक इतने अल्कोहल कंज्यूम कर चुके हैं इट इज़ मैं ये भी नहीं कह सकती कि बहुत अच्छी बात है हाँ इकोनॉमिकली इट इज़ गुड बट स्टिल इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू कंज्यूम सच अज लेवल ऑफ लिकर्स अटॉल ओके बिकॉज अल्कोहल इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर आर हेल्थ नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ सीनियर आई ए एस ऑफिसर ट्रांसफ़र टू डेली गवर्नमेंट फ्राम नॉर्थ बॉडी ये मैं आपको बता देती हूँ वर्षा जोशी जो कि कमिश्नर हैं सिविक बॉडी की नॉर्थ बॉडी में वो सर्विसेज दे रही थी उनका जो है सीनियर uh, बहुत सीनियर मोस्ट आई ए एस ऑफिसर हैं ये और इनका जो है ट्रांसफ़र uh, किया गया है डेली में डेली गवर्नमेंट के यहाँ पर सो नॉर्थ बॉडी से यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है ये अपने आप में एक टेंशन की बात या जो न्यूज़ इसलिए क्रिएट कर देता है क्योंकि ये एक बहुत ही हम कह सकते हैं काबिल जो है ऑफिसर है इनके बहुत ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं इनके उसके बाद में ऑल ऑफ सडन इस दौर में इनका ट्रांसफ़र होना अपने आप में एक जो है क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे इंडिविजुअली न्यूज़ बेसिस पर डिस्कस करूँगी इंडिविजुअल वीडियो में आपसे इस बारे में इस वीडियो के इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे पॉसिबली आज ही अदरवाइज कल तक ये वीडियो आपके पास आ जाएगा कि इस बेसिकली ये केस ये मुद्दा है क्या ओके द नेक्स्ट जो हम न्यूज लेंगे इट इज़ लाइक देखिए पॉलिटिकल सिचुएशंस भी की भी बात नहीं कर रही हूँ मैं पॉलिटिकल इश्यूज में या पॉलिटिकल आर्टिकल्स इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं और किसी भी तरह का मैं अपने व्यूज़ जो है न्यूज़पेपर्स एडिटर्स एडिटोरियल्स में या कहीं पर भी नहीं डाल रही हूँ मैं आपसे जो डिस्कस कर रही हूँ बस वही कर रही हूँ जो आपके न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में दे रखा है ओके okay, सो so, मैं बस उनको डिकोड करने की कोशिश करती हूँ जिससे कि आपको ये चीज़ें जिनको इंग्लिश रीडिंग में या समझने में प्रॉब्लम आ रही है उनको इजीली ये सब चीज़ें समझ में आ जाए ओके द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फॉर्मल फॉर्मर अंडरवर्ल्ड डॉन मुत्थपा ड्राई नो मोर मुत्थपा राय जो कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन रह चुके हैं और uh, दाऊद के एसोसिएट रह चुके हैं और बाद में ये फिलेंथ्रोपिस्ट जो है बन गए थे या उसमें कन्वर्ट हो गए थे हम कह सकते हैं सिक्सटी एट ईयर्स के थे ये अंडरवर्ल्ड डॉन है जो कि बिज़नेस के साथ में सोशल एक्टिविटीज़ भी कर रहे थे लास्ट अभी लास्ट के डेज़ में बिज़नेस के साथ सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे थे उनका सिटी हॉस्पिटल में जो है देहांत हो चुका है बेंगलुरु के एंड स्टार्टिंग uh, में इन्होंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था वो विजय बैंक में एज अ क्लर्क स्टार्ट किया था बट धीरे धीरे एक्सीडेंटली कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो गई जिससे कि ये क्रिमिनल लाइन में आ गए क्राइम लाइन में आ गए तो उसके बाद से इन्होंने बेंगलुरु के अंदर जो है बिजनेस uh, स्टार्ट किया देन बार एंड देन रेस्टोरेंट उसको आपको बता दूँ नाइनटीन एटीज़ के अंदर ये एंडरवर्ल्ड में आ गए थे एंड उसके बाद में कंटिन्यूसली राइज अप करते चले जा रहे थे फिर इन्होंने कुछ केसेस भी इन पे दर्ज हुए लेकिन उसके बाद फर्स्ट शूटआउट के बाद में इन पर जो केस दर्ज हुआ उससे इनको दाऊद अब्राहिम ने बचाया और ये इनको जो है भाग कर ये वहाँ पे दुबई जा चुके थे वहाँ से फिर उन वहाँ की गवर्नमेंट ने इन्हें इन हमें हैंडओवर किया कुछ केसेस के चलते उसके बाद में इन पर जो है केस भी दर्ज हुए इनको सज़ा भी हुई कुछ समय की उसके बाद में जो है कर्नाटक के कर्नाटका से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में इंटर हुए ऑर्गेनाइज़ इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज़ की और इनका ऐसी ऐसी उम्मीद थी इनका एम्बिशन था कि मैं पॉलिटिकल पॉकेट पार्टी ऑर्गेनाइज करूँगा बिजनेसमैन बिजनेसमैन होने के साथ साथ आई विल गो थ्रू सम पॉलिटिकल पार्टी एंड आई विल फॉर्म इट बट स्टिल इनका ये एम्बिशन कम्प्लीट नहीं हो पाया फुलफिल नहीं हो पाया एंड uh, अभी लास्ट जो है कोविड नाइन्टीन के चलते ही इन्होंने अपनी जान खो गवा दी हम कह सकते हैं फ्राइडे को इनका देहांत हो चुका ओके okay? इनके टू uh, सन्स भी हैं एंड ही इज ही वाज लिविंग विथ इज़ वाइफ आल्सो सो इट वाज ऑल अबाउट गैंगस्टर कम बिजनेसमैन एंड कम आई कैन से सोशल सर्विस 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 प्रोवाइडर ओके सो द नेक्स्ट न्यूज इज हम बात करेंगे प्रोस्थेसिस इज नो बार फॉर दिस स्टेज स्ट्रक कर्नाटका टीन एजर ये मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि सोशल हम हमारे लिए एक मोटिवेशन का मैं कह सकती हूँ काम करता है ये इट इज़ ऑल अबाउट मनोज कुमार जो कि यक्षगना जो हैंडीकैप होते हुए भी यक्षगना परफॉर्म करते हैं और ये आज से नहीं पहले से ही कर ले कर रहे हैं अभी क्लास टेंथ में हैं और इनका ये कहना है कि मेरे लिए हैंडीकैप होना कोई रेस्ट्रिक्शन uh, क्रिएट नहीं करता है मेरे मेरी परफॉर्मेंसेस के अंदर या मेरे टैलेंट के अंदर मेरा शौक है यक्षगना परफॉर्म करना एंड आई विल डू इट ओके द नेक्स्ट न्यूज़ इज नीट इज़ नॉट स्टूडेंट फ्रेंडली मैरिट प्रमोटिंग बेसिकली ये एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिए मैटर है कॉन्ट्रोवर्शियल है काफ़ी उन कंट्रोवर्सी में रहा है पिछले काफ़ी टाइम से देखिए एजुकेशन लेवल को देखते हैं अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो ओवर सेंट्रलाइजेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं पेनफुल या प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला होता है ओके okay? सो इट इज़ ऑल अबाउट नीट नीट इज़ national एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है ये जिसके अंदर जो है एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर स्कॉलर्स को प्रमोट किया जाता है college या कॉलेज या allot कॉलेज uh, allotment किया जाता है तो उसी का जो है उसी को लेकर कुछ issues क्रिएट किए जा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं uh, अच्छी जो हम कह सकते हैं एक uh, situation, अच्छा मोड नहीं है सिलेक्शन का बिकॉज ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कोचिंग्स uh, जो है क्योंकि नीट का लेवल जो एग्जामिनेशन लेवल पेपर लेवल बहुत डिफ़िकल्ट होता है और वो हर किसी के लिए क्रैक करना पॉसिबल नहीं हो पाता जो पर्सन विलेजेज़ uh, में रह रहे हैं या जो कॉन्ट्रोवर्सी कॉन्ट्रोवर्शियल uh, जो उस एटमॉसफेयर में रह रहे हैं या जिनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो पा रही है वो जो है नीट उनके लिए नीट के लिए कुछ स्पेसिफिक कोचिंग्स लेना या उसके लिए ट्रेनिंग्स लेना एंड देन इस एग्ज़ाम को जो है क्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जिनके पास में प्रॉपर सर्विसेज नहीं है इसके अलावा बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही हैं ये आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो ईजीली समझ में आएगा बहुत ईजी आर्टिकल है तो अपने आप में जो है ये जेन्यन नहीं माना जा रहा है इस एग्ज़ाम को क्योंकि इसे सिर्फ जो है स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं कहा गया इसे सिर्फ मेरिट प्रमोटिंग एग्जाम कहा गया है कि ये मेरिट को प्रमोट करता है और मैक्सिमम लेवल पे मेरिट होल्डर्स को आगे जरूर ले जाएगा लेकिन उसके अलावा क्योंकि देखिए ये आर्टिकल एक आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसे उसकी बात कही गई है यहाँ पर कहीं ना कहीं ये उस आर्टिकल को वॉलेट करता है अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल ये कहते हैं वो आर्टिकल ये अलाउ करता है हर माइनॉरिटी को कि वो अपने बेसिस पर अपनी चौथे पर जो है है कॉलेज का सिलेक्शन कॉलेज uh, का हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन या कॉलेज का स्टैब्लिशमेंट सुनिश्चित कर सकता है बट ये वॉयलेट करता है उन उन सारे आर्टिकल्स uh, को ओके नीट वॉज इनिशियली स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर वेलोर में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के अंदर 2013 में टू रेशियो वन की मेजोरिटी के साथ में नीट को जो है स्टार्ट किया गया था दैट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओके सो इट इज़ ऑल अबाउट नीट नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आता है अ क्वेश्चन ऑफ क्वारंटाइन अब देखिए uh, काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जो क्वारंटाइन को लेकर काफ़ी सारे लोग हैं इवन जो क्वारंटाइन को लेकर काफ़ी इशूज़ हैंडल कर रहे हैं सेंटर और स्टेट्स की जरूरत है कि वो क्वारंटाइन जो है उसको लेकर या ट्रेवलर्स हम कह सकते हैं उनको लेकर ट्रेवलर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ यूनिफॉर्म्स जो है क्रिएट कर ले कुछ यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट्स जो है ट्रेवलर्स की उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े क्योंकि देखिए बहुत सारे ट्रेवलर्स को जो है हम कह सकते हैं बाहर फॉरेन से भी लाया जा लाया जा रहा है इसके अलावा स्टेट टू इंटर स्टेट जो है काफ़ी फॉरनर्स जो है माइग्रेट हो रहे हैं इधर से उधर काफ़ी हम कह सकते हैं माइग्रेंट्स भी इधर से उधर जा रहे हैं वर्कर्स भी तो उनकी फैमिली जो है वो बिल्कुल ट्रैवल uh, करती हुई अनऑर्गेनाइज ग्रुप्स के रूप में इधर से उधर ट्रैवल करती हुई थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वो एक से दूसरी जगह पर जा रहे हैं द सेंटर फाइंड्स इट सेल्फ फेसिंग अ फ्रेश फ्रंट ऑफ द इन द कैंपेन टू कंटेन अ कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक अब सेंटर को रिसेंटली ये एक प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है कि इस तरीके से माइग्रेंट्स को क्योंकि देखिए फेरी ट्रेन स्टार्ट की गई है और भी काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो माइग्रेंट और वर्कर्स के लिए हैं उनको घर पहुंचाने के लिए तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन क्रिएट करता है कि उनका अपने घर को जाना अपने घर की तरफ जाना उन सिटीज़ से जाना जहाँ पे हाईली कोविड जो है अलर्ट घोषित किया गया है उन सिटीज़ से वापस अपने घर को जाना तो मतलब उन क्षेत्रों जहाँ वो जा रहे हैं उन्हें भी जो है खतरे में डालना तो उसके लिए सरकार की ज़रूरत है कि वो कुछ पॉसिबल जो है एक्टिविटीज़ को शट डाउन शट डाउन करें पब्लिक एक्टिविटीज़ को और ट्रैवलिंग को भी कुछ समय के लिए या तो ट्रैवलिंग को लॉकडाउन से पहले है या लॉकडाउन इनके इनिशियल स्टेज पर ही अलाउ कर देना चाहिए था अदरवाइज अब जब हम लोग ऑलरेडी जो लॉकडाउन के चलते हुए भी और बहुत एहतियात बरतते हुए भी देख सकते हैं कि केसेस पीक पर जा रहे हैं चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड जो है हम उसे भी ब्रेक कर चुके हैं तो इस कंडीशन में सरकार की ज़रूरत है कि कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स को फॉलो करें जिससे कि कोविड नाइन्टीन को फैलने से रोका जा सके और कोविड नाइन्टीन को फैलने से रोकने का कारण यह है कि क्वारंटाइन जो एक उसका एक तरीका यह है कि उसे लोगों को क्वारंटाइन किया जाए अब क्वारंटाइन को लेकर भी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं काफ़ी सारे ऐसे जो है हम कह सकते हैं स्टेट्स या सिटीज़ के अंदर ये कहा जा रहा है जो ट्रेन पैसेंजर्स जो बेंगलुरु जा रहे हैं उनका यह कहना है कि हमें जो है दैट दे रिसीव्ड नो एडवांस नोटिस ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन उन्हें ऐसा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से रिलेटेड कोई एडवांस में नोटिस नहीं दिया गया था ऑल दो दे वर गिवन एन ऑप्शन टू स्टेट इन होटल्स फॉर फोर्टीन डेज इनकरिंग कंसिडरेबल एक्सपेंडिचर उन्हें यह कहा गया कि वो अपने एक्सपेंडिचर खुद बेयर करेंगे और फोर्टीन डेज के लिए उन्हें हॉस्टल्स में होटल्स में सॉरी जो है सर्वाइव करना होगा अब लेबरर्स कंपल्सरीली क्वारंटाइन इन यूपी यूपी और बिहार के अंदर लेबरर्स को कंपल्सरीली क्वारंटाइन किया गया है ठीक है एस्केप्ड फ्राम द फैसिलिटीज़ आफ्टर कम्प्लेंग ऑफ बैड कंडीशन तो उन जो लेबरर्स है उनका भी ये कहना है कि हमें जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं दैट आर नॉट अप टू द मार्क वो हमें सेटिसफाई नहीं कर रही हैं बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हमें यहाँ नहीं प्रोवाइड हो रही है बैड कंडीशन में हम यहाँ रह रहे हैं उसके चलते कई सारे लेबरर्स जो है वह वो, वो अपने क्वारंटाइन एरिया से भाग कर बाहर भी चले गए है ना इन केरला दोर्टीन डे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाइन फॉर दोज अराइविंग बाई एयर जो लोग एयर बाई एयर जो है केरला में आ रहे हैं फॉरन से जिन्हें लाया जा रहा है या बाहर से भी जो लाया जा रहा है जो बाई एयर आ रहे हैं उन्हें फोरटीन डे इंस्टिट्यूशनल क्वारंटाइन दिया जा रहा है ठीक है पब्लिक फैसिलिटीज के तहत सेवन डेज इन स्टेट प्रपोजल सेवन जबकि स्टेट का जो प्रपोजल है उसे रिजेक्ट किया कर दिया गया है सेवन डेज का जो पब्लिक फैसिलिटी का प्रपोजल है उसे रिजेक्ट करते हुए और उन्हें अनादर सेवन डेज़ जो है होम क्वारंटाइन के बेसिस पे रखा जा रहा है कि भाई आपको एंटर होने पे आप हमारी बाउंड्री में एंटर होते हैं उसके बाद सेवन डेज़ तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाएगा जबकि सेवन डेज जो है वो आपको अनादर होम क्वारंटाइन में रहना होगा ठीक है तो अपने आप में ये सारे जो फ्लक्चुएशनस है देखिए काफ़ी सारे स्टेट्स जो अच्छे इनिशिएटिव भी ले रहे हैं क्वारंटाइन है, को लेके लेकिन काफ़ी सारे स्टेट्स में सेटिसफैक्ट्री जो है हम कह सकते हैं मापदंड या मेजर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं yeah <laughs> Uh, regarding quarantine. okay, according to government, they are doing well, but according to the uh, laborers or according to the foreigners, according to the, i can say, migrants, they are not satisfied with the quarantine facilities. and somewhere we can see that it is actually a fact that the government is, um, you know, fluctuating somewhere. in some states, in some cities, the quarantine facility is not that much good or i can say that not up to the mark. so government have to work towards it. okay.

इन्फेक्शन राइजिंग इन्फेक्शन रिफ्लेक्ट्स इज डिस्परेशन डेस्परेशन फॉर रेवेन्यू रेवेन्यू के लिए जो है इन्फेक्शन uh, जो करिएट हो रहे हैं उसे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक लिए गए कदम का नाम दिया जा रहा है देखिए uh, लेकर जो है उसको लेकर तमिलनाडु ऑलरेडी अपोजिशन में थी बट स्टिल डिमांड ऑफ सम पीपल इन डिमांड ऑफ गवर्नमेंट उसे स्टार्ट किया गया है अब उसे लेके कुछ इश्यूज जो है वो क्रिएट हो रहे हैं ये आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे तो इजीली यू विल बी एबल टू गो थ्रू इट ओके एंड उसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ कुछ सजेशंस भी दिए गए थे लाइक ऑनलाइन डिलीवरी होम डिलीवरी एंड और ऑनलाइन ऑर्डर्स इसके बेसिस पर हम लोग लेकर स्टार्ट करेंगे बट स्टिल वी आर नॉट गोइंग टू ओपन दी शॉप्स ऐसा तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना था ओके okay? सो so, उस बेसिस पर ये आर्टिकल है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसलिए मैं फिर से डिस्कस नहीं कर रही हूँ हमने अभी दो तीन पहले इस आर्टिकल को डिस्कस किया है आप लोग पढ़िए आपको इजीली समझ में आ जाएगा ओके द पेंडेमिक एंड द चैलेंज ऑफ बिहेवियर चेंज जो पेंडेमिक है जो कोविड नाइन्टीन है उसके और हमारे जो बिहेवियरल चेंज के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है उसे एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए जो है वो इस आर्टिकल को जनरेट किया गया है एस एन श्रीकांत जी द्वारा उन द कोविड नाइन्टीन क्राइसिस इज़ फार फ्रॉम ओवर बट गवर्नमेंट एवरीवेयर अपीयर्स टू हैव ईदर रिलैक्स Sorry, either relaxed lockdown parameters or will do so soon. The curve may have been flattened, but there will be a greater risk now of being infected. देखिए कोविड नाइन्टीन जो है वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है लेकिन इससे ओवरकम करने के लिए हमें बहुत लंबा समय लगेगा हम ये नहीं कह सकते कि कुछ ही दिनों में हम इससे बाहर आ जाए तो उसके लिए हमें कुछ सोशल जो है आ, सोशल नॉर्म्स को चेंज करना होगा सोशल मार्केटिंग जो है वहाँ पे कैंपेन ऑर्गेनाइज करने होंगे वेल क्राफ्टेड कैम्पेन्स ऑर्गेनाइज करने होंगे जिससे कि लोगों को सोशली अवेयर किया जा सके और उनके बिहेवियर को चेंज करने का एक चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट किया जा सके इसके इस, इस क्राइसिस के दौर में जहाँ हम लोग एक दूसरे की बहुत हेल्प भी कर रहे हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कुछ इन्फेक्शन ऐसे ये जो कोविड नाइन्टीन का इन्फेक्शन ऐसा है वो ऐसा है कि कोविड नाइन्टीन जो अपने आप में एक बहुत टेंशन क्रिएट करने वाला फ्लक्चुएटिंग मोमेंट्स लेकर आया है इस दौर में ये एक चैलेंज है कि हम कैसे खुद के बिहेवियर को पब्लिक बिहेवियर को कैसे चेंज किया जा सकता है ये अपने आप में एक चैलेंज क्रिएट करता है सो इट इज़ अ गुड आर्टिकल ऑफ इट एंड यू शुड गो फॉर इट वॉट इट इज़ कंटेनिंग कोविड नाइन्टीन एंड रिस्टोरिंग आर इकोनॉमिक रिक्वायर्स नॉट जस्ट गुड पॉलिसी डिसीजन एंड मेडिकल एडवाइस इट ऑल्सो नीड्स देखिए कुछ अच्छी पॉलिसीज डिसी पॉलिसी डिसीजन क्रिएट करना अच्छी मेडिकल एडवाइस क्रिएट कर देना और इकोनॉमिक को वापस रीजनरेट करना कोविड नाइन्टीन से लड़ने के लिए जो है ये सब मापदंडों को अपनाना अपने आप में बहुत अच्छे डिसीजन हैं लेकिन इट आल्सो नीड्स कंटिन्यूड कंप्लायंस विद द रिकमेंडेड बिहेवियरल चेंज दैट इन मेनी वेज गो अगेंस्ट सोशल एंड कल्चरल कन्वेंशंस हमें बहुत सारे ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत है ऐसे चेंजेस लाने की जरूरत है जो काफ़ी तरीके से कई तरीक़ों से जो सोशल हम कह सकते हैं कल्चरल बिहेवियर जो है उसमें बदलाव लेकर आने की ज़रूरत है अब देखिए ये एक बहुत बड़ा टास्क है जो इंडिया है वो टोटली totally एक सोशल या हम कह सकते हैं कल्चरल जो है डाइवर्सिटी पर बेस्ड है हर एक स्टेट हर एक एरिया हर एक सिटी हर एक हम, मैं कह सकती हूँ स्ट्रीट इवन अपने आप में एक अलग सोशल कल्चर जो है कैरी करता है है ना और हम लोग बहुत हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हमने अपनत्व की भावना देखने को मिलती है उसके चलते कुछ सोशल डिस्टेंसिंग या सोशल हम कह सकते हैं ऐसे नॉर्म्स या बिहेवियर चेंज जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है सो आर गवर्नमेंट एंड इवन वी

कि हमें ज़रूरत है कि इन क्राइसिस से ओवरकम करते हुए इन क्राइसिस को एड्रेस करते हुए इट इज़ आर रिक्वायरमेंट कि हम एक वेल क्राफ्टेड सोशल मार्केटिंग कैंपेन की शुरुआत करें जो कि फ्यूचर में इस डिज़ीज़ को बढ़ने से इस इस तरह की डिज़ीज़ को फैलने से रोकें और एक ऐसा जो है ढांचा तैयार करें जो हमारी मदद कर सके आने वाले दौर में इस तरह के पेंडेमिक से लड़ने के लिए ओके इट वॉज ऑल अबाउट it the health belief model that is hbm developed by irwin m lobenstock so uh, irwin m Ro uh, rosenstock, sorry, rosenstock other suggested that a person's health related behaviors ultimately stem from the desire to अवॉइड इल्स इल्नेस को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं आपकी डिज़ायर है कि आप इल्नेस को अवॉइड करना चाहते हैं तो वो इंसान हमेशा अपनी हेल्थ को लेकर इम्पोर्टेंट मेजर्स को फॉलो करेगा सो so अल्टीमेटली ये जो चीज़ आती है हेल्थ को लेकर कॉन्शियसनेस अगर आप में आती है तो वो सिर्फ इसी बात से आती है कि आप किसी भी तरीके से जो है अपनी इल्नेस को अवॉइड करने को लेकर अलर्ट हो Okay, a HBD commander A well crafted social marketing campaign would help address the COVID nineteen crisis and set foundations that will help ameliorate the adverse consequences of future pandemic. Let us build policy from science in the efforts to save lives and to put the local and global इकोनॉमीज़ बैक ऑन ट्रैक ग्लोबल और लोकल इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर लाने के लिए हमें जो इम्पोर्टेंट मेजर्स फॉलो करने देखिए कंटिन्यूसली केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं तो फिर हमारे मन में दिमाग में ये बात आती है कि इकोनॉमी को ओपन करना इतना क्या जरूरी है सरकार क्यों ओसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रही है जो कि इकोनॉमी को री किया जाए या इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टार्ट किया जाए अगर केसेस कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं तो देखिये इस तरीके से कंटिन्यूसली लॉकडाउन कंटिन्यूसली शट जो है वो हमारे लिए एक बहुत नेगेटिव क्रिएट करता है जो, नेगेटिव जो है मूड में हमें लेकर जाता है इकोनॉमिक बेसिस पर और इकनॉमी इज द बेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स कंट्री और स्टेट आई कैन से सो फॉर दिस वी हैव टू फोकस ऑन आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बट स्टिल वी हैव टू लर्न कि हमें कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के साथ साथ अपने सोशल बिहेवियर को भी कंटिन्यू करना, करना है उसको भी फोकस करना है उसको कंटिन्यू करते हुए उसको ध्यान में रखते हुए में हमें कैसे आगे बढ़ना है कैसे सोशल चेंजेस या खुद में चेंजेस लेकर आने हैं खुद की हेल्थ को लेकर अवेयर होना है और उसको लेते हुए हमें को सोशल चेंजेस को फॉलो करते हुए लाइक सोशल डिस्टेंसिंग या अन्य जो बहुत सारे मेजरमेंट्स हैं उनको फॉलो करते हुए एक ढांचा तैयार करते हुए हमें आगे बढ़ना है ओके सो इट वाज ऑल अबाउट द पेंडेमिक एंड द बिहेवियर चेंज ऑफ अस दैट जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में सामने आया है एंड इट इज फ्रॉम एस श्रीकांत

हाओ अ मार्केट टर्नड इन टू अ कोविड नाइन्टीन हॉट स्पॉट कैसे एक मार्केट जो है वो कोविड नाइन्टीन हॉट स्पॉट में तब्दील हो गया ये हम बात कर रहे हैं चेन्नई के कोयम्बेडू मार्केट की जो कि वर्ल्ड एशिया का आई कैन से एशिया का सबसे बड़ा जो है ओपन मार्केट है और अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये हम कह सकते हैं प्लेस है जो कि काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट मेजर्स लाइक इकोनॉमिकल और अदर मेजर्स को कवर करता है कैसे इसको खुला रखने का जो फैसला है तमिलनाडु सरकार का वो उन पर ही भारी पड़ गया ये एक हॉटस्पॉट बन गया और कोविड नाइन्टीन जो है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर गया इस एरिया के अंदर आ, सरकार का ये फैसला था कि ये सबसे बड़ी मंडी है इसे बंद करना इस मार्केट को बंद करना इट मीन्स एक बहुत बड़ा टास्क है इकोनॉमिक जो है एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा लेवल पे इफ़ेक्ट होगी इसलिए सरकार ने ये फैसला ले लिया कि हम इसे बंद नहीं करेंगे लेकिन इसे बंद ना करने का फ़ैसला उन्हीं पर भारी पड़ गया क्योंकि तमिलनाडु में मैक्सिमम केसेस जो हैं वो इसी जगह से निकले हैं और जो कोयम्बाडू हम कह सकते हैं कोयम्बेडू मार्केट जो है वो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है क्राउडेड प्लेस है जहाँ पर ऑलरेडी बहुत ही क्राउडेड रहता है बहुत बड़ा मार्केट है और उस कंडीशन में कोविड नाइन्टीन के दौर में इसे ओपन रखना अपने आप में सरकार के लिए एक चैलेंज के रूप में सामने आया है और बहुत भारी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है उसकी क्योंकि बहुत सारे केसेस जो है वो यहाँ से निकले हैं ओके सो इट वाज ऑल अबाउट इट आप इसके बारे में जब पढ़ेंगे <coughs> इस आर्टिकल को जब पूरी तरीके से पढ़ेंगे यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट इट एंड काफ़ी अच्छा आर्टिकल है यू शुड गो फॉर इट ये आपके इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी कवर करता है एज़ वेल एज सोशल नॉर्म्स को भी कवर करता है एज़ अ सिविल एस्पिरेंट आपके uh, दिमाग में एक uh, इम्पॉर्टेंट डिसीज़न जब लेना होता है उस समय हमें कैसे डिसीजन किस मेजर्स को ध्यान में रखते हुए लेने होते हैं उसको भी कवर करता है ओके सो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का इस तरह का डिसीज़न मार्केट को ओपन रखने का वो किस हद तक सही था किस हद तक गलत था और उसका क्या क्या भुगतान सरकार को खुद को करना पड़ रहा है कर्नाटका सरकार को तो सॉरी तमिलनाडु सरकार को तो वो सारी चीज़ें जो है वो इस आर्टिकल में मेंशन की गई हैं सो so, आज के न्यूज़पेपर की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑलमोस्ट कवर की है मैंने फिर भी अगर कोई रह जाती है यू कैन आस्क मी योर क्वेरी इन कमेंट सेक्शन इसके अलावा और भी कोई क्वेरीज हैं आपकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको कुछ भी डाउट है आप इफ यू आर फीलिंग वेल इफ़ यू वांट समथिंग फ्रॉम माय साइड देन एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड यू कैन इजीली आस्क इट टू मी ओके आई एम हेयर टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज एंड uh, देखिए थोड़ा सा कुछ क्वेरीज़ आ रही है कि जल्दी जो है इसको पोस्ट किया जाए न्यूज़पेपर को एज़ सुन एज़ पॉसिबल मतलब मॉर्निंग में अर्ली इसको पोस्ट किया जाए तो देखिए ये एनालिसिस अर्ली इन द मॉर्निंग पोस्ट नहीं हो पाता बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास सिक्स ओ तक न्यूज़पेपर आता है फाइव थर्टी सिक्स ओ तक और उसके बाद में इसको एनालाइज़ करना इसमें से सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कट शॉर्ट करना उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स आपको प्रोवाइड करवाना उससे रिलेटेड जो न्यूज़ हैं जो आप तक पहुंचनी चाहिए उसको फोकस करना इन सब के चलते वी हैव टू गिव सम टाइम बिकॉज ईजीली जो है कुछ भी हम आपको नहीं दे सकते मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल करवाऊँ और वो भी इस तरीके से कि आपको फिर न्यूज़पेपर या अदर एनालिसिस देखने की ज़रूरत ना पड़े एक ही एनालिसिस में आपका पूरा जो है न्यूज़पेपर कवर हो जाए सो so, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है बट कोई बात नहीं वेट कर लिया कीजिए तब तक आप कोई स्टेटिक पोर्शन या कोई सब्जेक्ट वाइज कुछ कवर कर लेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू एंड बट स्टिल क्वालिटी जो रहेगी न्यूज़पेपर पेपर की एनालिसिस की वो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा आपको बेस्ट लेवल का एनालिसिस प्रोवाइड करवाया जाएगा और मेरी कोशिश है कि मैं करवा भी रही हूँ और नेक्स्ट इट विल आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको और भी अच्छे इनोवेशंस आई एम ट्राइंग टू गो थ्रू इट एंड इवन आपको बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में कुछ नए जो है इनोवेशन्स uh, देखने को मिलेंगे न्यूज़पेपर एनालिसिस में ओके सो थैंक्स फॉर बींग विद मी बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे अगेन सी यू टुमारो हेयर ओनली बाय